नमो संघर्ष। आज हम यहाँ पर राजेंद्र जी इकट्ठे हुए हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय उदित राज जी, उन्होंने बहुत प्रयास करके कार्यक्रम का आयोजन किया है। विशेष रूप से हमारे संविधाय धम्मवीर जी महास्तवी, जिन्होंने भारतीय विश्व संघ के लिए बहुत ही अच्छा काम करने का पूरी तरह प्रयास किया है, और आज उनकी जगह पर उनके चले जाने के बाद हमारे भाई भदंत करुणानंद जी महास्तवी, जिन्हें इस संगठन के पद पर नियुक्त किया गया है, वो भी दिल्ली में कई सालों से बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और भारतीय विश्व संघ की गरिमा बनाए रखने के लिए भदंत करुणानंद जी का वैसे बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये विश्व संघ आज जो हमें दिखाई देता है, बौद्ध धर्म का नव उदय जो हम देखते हैं, उनका स्नेह बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाता है। लगभग एक समय ऐसा था कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का की बराबर हो गया था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बहुत प्रयास किया, और आज विदेश में देखते हैं कितने भारत के पड़ोसी जितने देश हैं, बहुत सारे देशों में बुद्धिज्म बहुत ही अधिक मात्रा में है, लेकिन हमारे भारत में उसका अभाव था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया और बौद्ध धर्म की नई ज्योत जलाई, नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा देकर, और उसके बाद आज एक नई ऊर्जा नई प्रेरणा चल पड़ी। विश्व संघ भी उसी ऊर्जा से प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। हमारे इस संघ के संस्थापक भदंत जगदीश काश्य जी, जो कि हमारे भी गुरु रहे हैं, मुझे दीक्षा भी उन्हीं के द्वारा मिली, और मेरे गुरु डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्य की जो संघ को बड़े अच्छी तरह से जो गुरु ने संभाला, और संभाल कर आज जो हमारे इस महापुरुषों ने विश्व संघ को संभाल कर वो हमारे कंधे पर उसका जिम्मा दिया है। आज हमारे यहाँ जितने भी भिक्षु बैठे हैं, जो भी हमारे बौद्ध भाई बहन हैं, वो सभी से हम अपील करते हैं कि हमारे धर्म की विश्व संघ की गरिमा हमें हमेशा हमेशा बनाए रखनी है। और उसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश में जो विश्व संघ ने यात्रा निकाली, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम हुआ है। बदलते समय में हमें भी बदलना चाहिए, और लोगों के हित के, लोगों के कल्याण के लिए, बुद्धिजन के कल्याण के लिए विश्व संघ क्या कर सकता है, वो करने का अपने प्रयास करना चाहिए। आज हमारा सबसे बड़ा इश्यू है बौद्धों का, कई सालों से जिसके ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार, ये मुख्य जो हमारा पूजनीय स्थल है, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला, जो संसार के सभी बौद्धों के लिए और भारत के सभी बौद्धों के लिए तथा सभी धर्मप्रिय भाई बहनों के लिए वो एक पूजनीय स्थल है। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे बौद्धों के हाथों में पूरी तरह मिल जाना चाहिए, यह हमारा प्रयास है। विश्व संघ वो प्रयास कर रहा है और हम वो प्रयास करेंगे ही। आज हमारे भारत की सरकार वो भी धर्म के रास्ते पर चल रही है, हम मॉरलिटी को, धर्म को, संस्कृति को बल दे रहे हैं। मैं हमारे पत्र प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी, जो एक कमिटेड व्यक्ति है, जो चाहते हैं कि भारत हमारा एक उज्ज्वल भारत बने, विश्व में इसका नाम हो,
एक समय था भारत का नाम सारे विश्व में बड़े गौरव से आदर से माना जाता था, क्योंकि वो शक्ति हमारी भारत भूमि में है। ये बहुत पूजनीय गौरव की हमारी भारत भूमि है और नरेंद्र मोदी जी भी वही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भारत भूमि ये साधु संतों की भूमि है, तपस्वियों की तपस्वी लोगों की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है और इसका नाम संसार में जो बौद्ध देश है वो इस बुद्ध भूमि को वंदन करते हैं, हमेशा उसका आदर्श अपने जीवन को उतारने का प्रयास करते हैं। हम भी उन्हें हर तरह से सपोर्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्मों को, परंपरा को, समता, स्वातंत्र, बंधुभाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारा भी प्रसंग भी उन्हें उनके इस अच्छे कामों में हम सपोर्ट करते हैं। आज हमारे प्रदंत करुणानंद जी महाकवि जो नए पद पर विराजमान हुए हैं, यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि विश्व संघ का भी प्रचार प्रसार और संबंध का प्रचार प्रसार हो, और जो जिम्मेदारी हमारे महाकवि विश्व ने हमारे कंधे पर दी है उसे हम आगे ले जाने में आगे ले जाने के लिए हमें वो बल मिले, शक्ति मिले, यही हमारी श्री रत्न से वंदना है। मैं प्रदंत महाकवि को हार्दिक आदरांजलि अर्पित करता हूँ, मंच पर बैठे हुए सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। भगत यहाँ पर है, अपने बच्चे यहाँ पर है, विभिन्न राज्य की है और शिव प्रकाश जी यहाँ पर है, शिव प्रकाश जी यहाँ पर है, राजकुमार जी है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है और वीडियो को आदरांजलि अर्पित करते हुए करुणानंद जी का मैं और भी तरह दिन से आदमी पालन कर रहा हूँ। सबका मंगल हो।